अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है मलाई सीख कबाब। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बनाने में बेहद आसान है। कोई भी सामान आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, सब सामान जो है, सारे मसाले जो है वो आपको घर में ही मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत अच्छी रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 750 ग्राम चिकन जो कि बोनलेस है, और इसको हमने धोकर छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। तो ये हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप शुरू करते हैं, मिक्सी का जार लेंगे और यहाँ पर हमने भिगो दिए थे तकरीबन 12 से 15 काजू, और इनको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया था, हल्के गुनगुने पानी में भिगो दिया था। तो ये इसमें हम डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, 2 टेबल स्पून के करीब, और इसको पीस। तो देखें इसका पेस्ट सा बन चुका है। तो इसमें डाल देंगे हम ये 15 से 16 हमने लिए हैं लाल साबुत मिर्च जो कि कम तीखी है। आप चाहें तो तीखी वाली ले सकते हैं या फिर मिर्चें बढ़ा सकते हैं। इनको भी हम इसके साथ पीस लेंगे। मिर्चों को हमने पीस लिया है और बहुत ज़्यादा बारीक इसको हमने नहीं किया है। आप चाहें साबुत मिर्चें नहीं लेना चाहते तो पिसी हुई लाल मिर्चें ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्चें जो कि छोटी छोटी हैं, हमने 7 से 8 ले ली हैं। ये इसमें डालकर अब जो चिकन के पीस हैं अब इसको डाल देंगे हम, और इसका कीमा बना लेंगे। पीस लिया है सारा, आप देख सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, ये भी इसमें डाल देंगे। नमक डाल देंगे इसमें 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 नींबू का जूस डाल देंगे हम, और 3 टीस्पून डाल देंगे इसमें, हमने होममेड मलाई ली है, ये भी इसमें हम डाल देंगे, जिससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्चर आएगा और ये जैसे हार्ड हो जाते हैं वो हार्ड भी नहीं होंगे। और 1 कप डाल देंगे इसमें हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मसाले हमने इसमें सारे मिला दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो हमने साबुत मिर्ची पीस कर डाली हैं वो इसमें जब थोड़ा थोड़ा दिखाई देती हैं तो बहुत ही अच्छा कलर भी और साबुत मिर्चों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मिर्चें हो सके तो रेसिपी को सेम फॉलो करें, आप चाहें तो रेसिपी को पूरा सेम फॉलो करें जिससे आपको पूरा टेस्ट मिलेगा। तो इसको रख देंगे हम आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद कबाब बनाना। आधा घंटा कीमे में मसाला मिलाए हुए हो गया है, आप चाहें तो इसे ना रखें आधे घंटे के लिए भी, हैंड टू हैंड भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कटोरी में पानी, और यहाँ पर ली है लकड़ी की स्क्यूअर्स। तो अब यहाँ पर हम कोफ्ते के बराबर लेंगे कीमा, और इस तरीके से उसमें इसको लगा देंगे। हल्के से उंगलियों के निशान भी डाल दें इसके ऊपर इस तरीके से, जिससे ये अच्छे बनते हैं। हम इन्हें ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे कबाबों को हम बना लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से रख लें। तो हमने इनको लगा लिया है, अब चलते हैं पैन की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है, आप चाहें तो तवा भी ले सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर तेल, और इसमें 1-1 पीस करके रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने गैस की हीट जो है मीडियम रखी है, उस थोड़ी देर के लिए हम इसको मीडियम लो हीट पर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और इसी तरीके से हम इसको सेक लेंगे एक साइड से। तो इसे हम पलट देंगे थोड़ी देर बाद। दूसरी साइड से भी हम इसको पलट देंगे, और आपको दिखाते हैं कि दोनों साइड से अच्छी तरह से सीख चुका है। तो देखें अब इसको हम इस तरीके से आड़ा करके भी सेक लेंगे। इस तरीके के आड़ा करके सेकने से क्या होगा कि आपका कबाब जो है वो हर तरफ से सीख जाएगा। तो देखें कबाबों को घुमाते हुए हमने अच्छी तरह से सेक लिया है, हम आपको दिखाएं कि हमने चारों तरफ से बिल्कुल सीख चुका है ये। तो इसे हम सर्व कर लेंगे, और बाकी कबाब जो है उनको भी सर्व। तो देखिए बढ़िया से मज़ेदार हमारे सीख कबाब, चिकन मलाई सीख कबाब तैयार हैं। अब सबसे लास्ट में हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर देंगे हल्का सा बटरी फ्लेवर। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं या फिर इसको आप अवॉइड कर दें इस तरीके से, लेकिन हम इसमें हल्का सा लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखें मज़ेदार मलाई सीख कबाब बिल्कुल तैयार हैं, आप इतनी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, स्टार्टर के तौर पर भी, या फिर आप किसी भी दावत में पहले से तैयार करके रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही
अगर आप बीफ में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे सीख कबाब देख सकते हैं, जो कि हमारी चैनल लिस्ट में उसकी रेसिपी मौजूद है और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ट्राई करें इस रेसिपी को, हमें आपको रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।